नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करने वाले हैं चना, सेब, मोटे अनाज, अरंडी और लहसुन की, और इसके अलावा भी बता दें आपको कि कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दलहन की पैदावार में बढ़त की उम्मीद, चने की उपज 135.43 लाख टन होने का अनुमान। बात करते हैं चने के बाजार की ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को चने के सौदों में उठा पटक के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल दलहन की पैदावार में बढ़त अनुमानित है, जबकि चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो किस तरह से हो रहा है बाजार में इसका कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गुरुवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। राजकोट और बदायूं मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जयपुर मंडी में चने के भाव में नरमी देखने को मिली। साथ ही गाजियाबाद और मंजेरी मंडी में स्थिर रहे चने के भाव। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डाले तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 नवंबर को चने का भाव रहा 5,750 रुपए। 23 नवंबर को इसका भाव 50 रुपए बढ़कर 5,800 रुपए हो गया। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में इस दौरान चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 नवंबर को इसका भाव 6,250 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की जयपुर मंडी में 22 नवंबर को चने का भाव था 5,800 रुपए। 23 नवंबर को इसके भाव में 427 रुपए की गिरावट आई और भाव आ गया 5,373 रुपए पर। जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 23 नवंबर को चने का भाव 10 रुपए बढ़कर 6,130 रुपए से 6,140 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की गाजियाबाद मंडी में 22 नवंबर को चने का भाव रहा 6,800 रुपए। 23 नवंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,800 रुपए पर बरकरार रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। तो जाना आपने कि चने के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है। हमने अब पहले ही आपको जानकारी दी थी, बाजार के जानकार साहिल गोयल से हम चर्चा करेंगे विस्तार से, तो आइए अब उन्हीं का रुख कर लेते हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात जो चने के बाजार में बने हुए हैं, इन्हें देखते हुए आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें काफी उठा पटक देखने को मिली है। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम घरेलू उत्पादन की ओर भी नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन घरेलू मांग जो है पिछले वर्ष के मुकाबले वैसे ही रहती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू मांग में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला है। हालांकि निर्यात के स्तर पर हमें कुछ आंशिक बदलाव देखने को जरूर मिले हैं, लगभग 2-4% तक वहाँ पे देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान उम्मीद की जा रही है कि चने की मांग में लगभग 2-4% तक की वृद्धि आएगी। बिल्कुल, तो जब ये वृद्धि आएगी तो ऐसे में हमारे किसान इसे किस तरह से देखकर चल सकते हैं, हमारे किसान क्या करें? बिल्कुल किसान भाई बहन, चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के आसपास हो सकता है 70-100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150-200 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना सही रहेगा हमारे चने के किसानों के लिए। और
साहिल जी आपसे भी गुजारिश है, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अलग अलग जिनसों के संदर्भ में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बाकी की सुर्खियों की। सेब के भाव में उतार चढ़ाव के साथ हुआ कारोबार, लखनऊ मंडी में स्थिर भाव पर हुए सौदे। ज्यादातर गुजरात की मंडियों में हुई अरंडी की बिकवाली, राजकोट मंडी में 5,550 रुपए रहा बाजार भाव। अब बुलेटिन में बात सेब के बाजार की। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं हम इसकी आवक की, तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं गुरुवार को सेब के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। हम बात करते हैं हाल फिलहाल की, तो किस तरह से हो रहा है कारोबार इसके बाजार में, जानने के लिए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। पुणे और जोधपुर मंडी में सेब के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं हरदा और जलालाबाद मंडी में नरम रहे, जबकि लखनऊ मंडी में सेब के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में 22 नवंबर को सेब का भाव था 5,950 रुपए, 23 नवंबर को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,800 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 22 नवंबर को सेब का भाव रहा 6,500 रुपए, जो कि 23 नवंबर को 500 रुपए की बढ़त के बाद 7,000 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 23 नवंबर को सेब का भाव 400 रुपए टूटकर 4,600 रुपए से 4,200 रुपए पर आ गया, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 22 नवंबर को सेब का भाव रहा 5,600 रुपए, जो कि 23 नवंबर को 100 रुपए की मजबूती के बाद 5,700 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 22 नवंबर को सेब का भाव रहा 7,100 रुपए, 23 नवंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,100 रुपए पर बरकरार रहा। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। तो सेब के बाजार का हाल अब भी आपने जान लिया, आगे की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए फिर से रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, सेब को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं तो सेब के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए नजर आ रही है। इसका मुख्य कारण अच्छी वेदर कंडीशन और अच्छी क्वालिटी की बरसात का होना बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग को देखते हैं तो वहां पे हमें जो है लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात की स्थिति भी पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, लगभग 7-10% तक के बीच में वहां पे भी सुधार हमें देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ऐसा लग रहा है कि ये तेजी जारी रहेगी। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सेब में तेजी ही करनी चाहिए। बिल्कुल, तो तेजी ही करनी चाहिए। तो आगे कितनी तेजी का फायदा उठा सकते हैं, कब तक इंतजार करके चल सकते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के आसपास हो सकता है हमें 250-300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो यहां से 500 रुपए क्विंटल तक की तेजी और आ सकती है। बिल्कुल, तो फरवरी मार्च तक का अगर इंतजार रह करके चल सकते हैं हमारे किसान तो आगे अच्छी खासी मजबूती का फायदा उठा सकते हैं। सेब की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे पपीते के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। बात होगी गुजरात की दीसा मंडी की। पपीते का जो बाजार भाव है 3,500 रुपए प्रति क्विंटल यहां दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी का जिक्र करें 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव 1,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बिकवाली 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने पपीते के बाजार भाव के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अरे वाह, लेजेंड की बैट।
इससे तो मैं खेलूंगा, फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही। लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आप भी अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं रागी के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त सी बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। एगमार्क नेट के मुताबिक 23 नवंबर को केरल की जो मंजेरी मंडी है, यहाँ पर रागी का बाजार भाव 3,850 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम बात करते हैं तेलंगाना की महबूब नगर मंडी की, तो इस दौरान रागी के सौदे 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब हम रागी की उपज पर नजर डालें, तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की जो उपज है साल 2022-23 के दौरान 1,597,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,001,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो साहिल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। साहिल जी, यहाँ पर उपज में कमी का अनुमान है और साथ ही साथ हमने बाजार भाव का भी हाल जाना है वर्तमान परिस्थिति में, तो आगे किस तरह का माहौल रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो रागी के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम मंडियों पर भी नजर डालते हैं तो मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सुस्त बनी हुई है। कुछ एक मंडियों के अंदर ही हमने देखा कि रागी जो है बिकवाली के लिए पहुंचती हुई दिखाई दी थी। घरेलू मांग के अंदर जो है लगभग 2 से 4% तक का इजाफा हमें आते हुए दिखाई दिया है और सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर निर्यात देखते हैं तो वहां पे भी हमें आंशिक बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव रागी के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में रागी के अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का जो माहौल है वो अनुमानित है, तो ऐसे भी किसान क्या कर सकते हैं, उन्हें आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन रागी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के आसपास हो सकता है हमें 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, आगे यहाँ पर हमारे किसानों को इंतजार करके चलना होगा और निगरानी बनाकर चलना होगा, आगे आने वाली मजबूती का फायदा उठाया जा सकता है। बात हो गई रागी की, बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं बाजरे के बाजार भाव के बारे में। गुजरात की राजकोट मंडी का जिक्र करेंगे। बाजरे का जो बाजार भाव है 2,125 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राज्य की ही ध्रोल मंडी में सौदे 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि बता दें कि राजस्थान की जो जयपुर मंडी है यहाँ पर भाव 2,138 रुपए प्रति क्विंटल रहा, और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बिकवाली हुई 2,480 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजरे का हाल आपने जान लिया, अब बात करते हैं बुलेटिन में जौ की।
23 नवंबर को कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी ही देखने को मिली है। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को राजस्थान की जो जयपुर मंडी है यहां पर जौ का बाजार भाव रहा 1825 रुपए प्रति क्विंटल और यहीं की मालपुरा मंडी में 1820 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ की बिकवाली 2240 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। तो जौ पर भी आइए प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी, जौ को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछला पूरा साल जौ के अंदर काफी अच्छी तेजी रही है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई दिखाई दी है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर भी जो है लगभग पिछले वर्ष के मुकाबले 5-7% तक सुधार देखने को मिला था। यही एक मुख्य कारण है कि पूरे साल जो है जौ के अंदर हमें तेजी बनते हुए नजर आई थी। हालांकि निर्यात के स्तर पर पिछले महीने के दौरान थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण यही था कि महंगाई को रोकने के लिए गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी अप्लाई की गई थी, जिसके कारण यहाँ पे हमें निर्यात में कमी देखने को मिली है। ओवरऑल फैक्टर्स पे अगर हम देखते हैं तो जौ के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं और आगे भी तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, आगे भी तेजी जारी रह सकती है, ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं और तेजी का फायदा उठा सकते हैं। तो आपने जाना अभी जौ के बाजार भाव के बारे में। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम अरंडी और लहसुन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं अरंडी की। गुरुवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य सी दर्ज की गई। भाव पर नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 23 नवंबर को गुजरात की जो राजकोट मंडी है यहां पर अरंडी का बाजार भाव 5,550 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि जम्बूसर मंडी में अरंडी 5,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी और यहीं की धोराजी मंडी में अरंडी के सौदे 5,505 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बता दें आपको कि साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की जो पैदावार है 16,19,000 टन ही रही थी। यानी कि इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो साहिल जी लगातार बने हुए हमारे साथ, क्या कहेंगे अरंडी के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अरंडी के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी नजर आ रही है। इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर जो है लगभग 2-4% तक का फेरबदल हमें देखने को मिला है। फेस्टिवल सीजन के दौरान ये मांग लगभग जो है 7% तक सुधार के साथ जाने की उम्मीद लग रही है। निर्यात के अंदर भी जो है हमें सुधार आता हुआ नजर आया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को अरंडी के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का ही फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बहन। बढ़ते हैं आगे, लहसुन की बात करते हैं बुलेटिन में। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक बता दें आपको बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ही जो लहसुन है बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करते हैं तो 23 नवंबर को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का बाजार भाव 12,930 रुपए प्रति क्विंटल रहा,
जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के सौदे 14,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन 13,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लहसुन 9,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। बता दें आपको, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं, जितने भी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की जो उपज है 35,23,436 टन की रही थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद जताई गई है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो साहिल जी, लहसुन के बाजार का हाल हमने अभी जाना है, आगे आने वाली परिस्थिति के बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आया है। घरेलू मांग की जहां तक हम बात करते हैं तो वहां पे बिना किसी फेरबदल के ही आंकड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है और आगे जो इसकी सीजनल डिमांड जो नवंबर से लेकर फरवरी तक आती है वहां पे लगभग जो है 3-5% तक वृद्धि के आसार लग रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन लहसुन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के आसपास हो सकता है 250-300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 500-600 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, भंडारक क्षमता है तो बिल्कुल इंतजार करके चलना ये हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। साहिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको गाजर के बाजार भाव के बारे में। गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे। गाजर का बाजार भाव 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भी सौदे जो हैं 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर ही दर्ज किए गए, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बिकवाली हुई 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव 1,850 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में गाजर के बाजार भाव के हाल के बारे में। अब बताते हैं आपको अनार के हाल के बारे में। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार की बिकवाली हुई 16,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में बिकवाली हुई 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 8,100 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 6,960 रुपए इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग मंडियों का हाल जाना। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।